अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह के इस वक्त हुए हैं 6:30 और कल पूरी रात जो है, बल्कि कल पूरा दिन भी, पूरी रात, और आप भी स्टिल स्नो पड़ रही है बहुत ज़्यादा। 15 to 20 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ी है कल से लेकर आज तक। और ये टाइम है सुबह बच्चों के स्कूल जाने का, और अभी मैंने डिसाइड किया है कि बच्चों को स्कूल जाने देते हैं, क्योंकि लास्ट 3 डेज से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आज बसें नहीं आनी, बच्चों को खुद ही ड्रॉप करना पड़ेगा स्कूल। सब बच्चों को गाड़ी में बिठा लिया हुआ है हमने, और वन बाय वन जिस जिस का स्कूल आता जाएगा उसको हम उतारते जाएंगे। मैं साथ जा रही हूँ हबी के साथ, और सबसे पहले हम उतारेंगे मरियम को उसके स्कूल। The best large utility vehicle in Canada for 2019. Experience it for yourself during Mazda's winter drive event. Get 0% purchase financing on select models or up to a $1,000 iActive all-wheel drive credit on select new Mazdas. Visit your Mazda dealer or Mazda.ca for details. What can a degree do for your career? It can help get the job that interests you, get the raise you deserve, and even qualify you for a promotion. If you are a working professional without a degree credential, Yorkville University can help advance your career with an online Bachelor of Business Administration program without putting your life on hold. Learn more at mybba.ca. mybba.ca. मैंने सारे रास्ते में आप सबके लिए वीडियो बनाई है एक स्नो की, और आज की स्नो में खास बात जो है ये दरख्तों की है। इसको अगर मैं क्लोज़अप दिखा सकती आपको, जितना क्लोज़अप मैं दिखा सकती मैंने दिखाया है। अगर ये क्लोज़अप मैं आपको दिखाती तो यकीन करें ये इतने खूबसूरत लगते हैं कि ऐसे लग रहा है जिस इंसानों के ऊपर आइस जमी हुई है। और बहुत क्रिस्टल के ये ट्री लग रहे हैं, ये क्रिस्टल के ट्री हैं। और अगर चांस बना तो मैं कहीं उतर कर आप सबके लिए क्लोज़अप व्यू लूँगी इसका, ताकि आपको दिखा सकूँ कि कितने बिल्कुल बिल्कुल शीशे के दरख्त लग रहे थे। रोड्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं, तो गाड़ी जो है काफ़ी स्लो ड्राइव करनी पड़ रही है। बस अब हम ईमान को ड्रॉप करेंगे उसके स्कूल। हाय पापा। पापा आ रहे हैं अभी। हाय कट डैडी को। एक जबर। Good morning. Good morning. And
With my pack here. Okay, good girl. तो सबसे ज़्यादा जो थी एक्साइटेड वो थी ईमान, और क्योंकि दो तीन दिन से वो स्कूल नहीं जा रही थी तो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अब टीचर को। अभी मैंने ईमान को ड्रॉप कर दिया और अब बाकी सब बच्चों की बारी। तो हम करते हैं बच्चों को, बाकी बच्चों को ड्रॉप, और आप देखें हमारे साथ कनाडा में स्नो की ब्यूटी। और ये मैंने फाइनली आपके लिए क्लिप बना लिया। ये देखें, ये मैं स्नो की बात कर रही थी कि किस तरह इसकी ट्री की शाखों के ऊपर आइस जमी हुई है। ये देखें, क्लोजअप देखें आप इसका। और ये जब फुल ट्री को आप देखते हैं तो उसका तो व्यू ही डिफरेंट है। ये मैंने नीचे छोटी छोटी शाखों के ऊपर इस तरह बना हुआ था, तो मैंने नीचे फ्लोर के ऊपर जो शाखें उगी हुई हैं उनके ऊपर मैंने वीडियो कैमरा मार के वीडियो बना लिया, क्योंकि ट्री काफ़ी हाइट पर थे तो वो पता नहीं चल रहा था। तो अब मैं आ गई वापस और आप भी आए मेरे साथ अंदर घर। और ये किए कुछ शॉपिंग, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए थी, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी हमें तो वो लेते आए हैं। ये लिए हमने जैसा पाकिस्तान में देसी अंडे जिसको कहा जाता है, तो ऑर्गेनिक एग हैं ये मिलते हैं खास तौर पर कॉस्को से, मिल जाते हैं आराम से, और शॉप्स में मिल जाते हैं लेकिन कॉस्को से अगर आपको पता है कि आपको चाहिए तो वहाँ से आपको ये इजीली मिल जाते हैं, हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो एक पैक, एक डब्बा जो है यानी कि हमने ले लिया है ऑर्गेनिक एग का, दो केकरास के बॉक्सेस लिए हैं, और इसके अलावा हमने लिया है ये ऑलिव्स लिए हैं। हबी को पसंद है ये वाले ऑलिव्स, अच्छे होता है ये, 2 लीटर का जार है ये, और काफ़ी अच्छा टाइम निकाल लेता है। इसके लिए बस एक सेफ्टी इसकी ज़रूरी होती है कि इसके अंदर आपने गंदा स्पून यूज़ नहीं करना होता, नीट चम्मच यूज़ करें, जितने आपको चाहिए उतने। मैं तो छोटे कंटेनर में डाल लेती हूँ, बाकी को दोबारा बॉक्स को उठा के फ्रिज में रख देती हूँ, और इसकी एक्सपायरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी साल ज़्यादा। और यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ मैक्रोनी, बॉयल कर रही हूँ, और मैक्रोनी के साथ मैं क्या तैयार कर रही हूँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक मीठा है, बहुत टेस्टी सा मीठा है ये। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, सॉरी कि मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे काफ़ी मरतबा ये बात पूछी है, रहती वो कनाडा में है लेकिन मुझे उनका नाम नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे बहुत मरतबा पूछा कि आप कौन सी क्रीम यूज़ करती हैं, तो ये वाली क्रीम देखें, ये हलाल क्रीम है और ये अरबी स्टोर से आराम से मिल जाती है, वॉलमार्ट से भी मिल जाती है, नो फ्रिल से भी मिल जाती है। और ये बॉटल में ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, रोटेट करके घुमा के दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी से पहचान हो जाए कि मैं कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हूँ। और इसका काफ़ी क्रीम मैंने इस्तेमाल की है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, कोई भी मीठा आप इससे आराम से बना लेती हैं। तो इससे यह है कि मैं अब आप लोगों को क्रीम, इस क्रीम के साथ क्रीम सैलड बनाना सिखाऊंगी। और क्रीम सैलड मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर जिन्होंने मुझसे पूछा उनको अंदाज़ा हो जाए कि क्रीम किस तरह की क्वालिटी की है और इसका टेक्सचर कैसा है, क्योंकि मैंने बनाना भी था क्रीम सैलड, तो मैं सोचा कि मैं आज बना लेती हूँ और अपनी सिस्टर को, मेरी जो सिस्टर हैं उनको अभी पता चल जाएगा कि किस तरह की क्रीम है ये। पहले मैं नेस्ले की क्रीम यूज़ करती थी, पाकिस्तान से जो आती टेट्रा पैक टाइप होती है उस, वो अब वो आती नहीं है यहाँ पे, अलाउ नहीं है, पता नहीं क्यों आना बंद हो गई है। तो फिर मैंने ये एक क्रीम चूज़ की है और ये काफ़ी अच्छी है। तो चलें मैं आप क्रीम सैलड बनाना शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितनी क्वान्टिटी में हमें चीज़ें चाहिए। हम बना रहे हैं मैक्रोनी सैलड। सो मैक्रोनी सैलड बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मेयोनीज हमें चाहिए 3 टेबल स्पून, क्रीम हमें फ्रेश क्रीम चाहिए ये मैंने 1/2 पैकेट लिया है, योगर्ट हमें चाहिए 1/2 कप,
यानी कि क्रीम भी हमें हाफ कप ही चाहिए और योगर्ट हमें हाफ कप चाहिए। मैक्रोनी मैंने लिया है 1 कप, इसको बॉयल कर लिया था मैंने और ठंडे पानी से बाद में वॉश कर लिया। एक हमें स्मॉल साइज़ का आलू चाहिए बॉयल, जिसको मैंने इस तरह स्मॉल पीसेस में काट लिया है। रेड किडनी बीन चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। वेजिटेबल्स में मैंने यूज़ कर रही हूँ कॉर्न और कैरेट्स और मटर, इनको मैंने बॉयल कर लिया था, ये भी तीनों चीज़ें 2 टेबल स्पून है। 1 हमें एप्पल चाहिए, जिसको मैंने क्यूब्स में काटा है, और 1 बनाना चाहिए, उसको भी स्मॉल पीसेस में काटा है। रेजिन हमें चाहिए, मेवे जिनको कहते हैं, 1 टेबल स्पून। सॉल्ट टू टेस्ट और ब्लैक पेपर हमें चाहिए 1 टीस्पून, और शुगर हमें चाहिए 3 टेबल स्पून। शुगर और ब्लैक पेपर सॉल्ट आप अपने फ्लेवर के मुताबिक ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। तो अगर मैं जो आप क्वांटिटी बता रही हूँ उसमें से आपको कोई चीज़ ज़्यादा कम लगती है टेस्ट करने के बाद, तो आप उसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। सो अब हम अपना क्रीमी मैक्रोनी सैलड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मिक्सिंग बाउल ले लेना, उसके अंदर अब हमने अपनी सब चीज़ें ऐड करनी है। मेयोनीज को ऐड करेंगे, योगर्ट भी ऐड कर देंगे हम इसी में, और क्रीम भी। अब इसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट हम अपना थोड़ा नॉर्मली रखेंगे टेस्ट करने के बाद ही और ऐड करेंगे अगर हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि मेयोनीज के अंदर भी सॉल्ट ऐड होता है, तो हम इसलिए सॉल्ट डाल लेते हैं। शुगर ऐड करेंगे, और अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो शुगर और ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट अच्छे से वेल कम्बाइन हो जाएं। ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देंगे हम अपने बनाना और एप्पल और रेड किडनी बीन ऐड करेंगे, ये इसको बहुत अच्छा एक फ्लेवर देती है। आलू ऐड करेंगे, मिक्स वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे, और जो मैक्रोनी हमने बॉयल करके रखी थी इन सब चीज़ों को डाल के अब हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको 1 आवर के लिए, या जितना भी आपके पास टाइम है, 1/2 आवर है या 1 आवर है आपके पास, तो इसको बना के आपने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में ज़रूर रखना है, क्योंकि तभी इसके सारे फ्लेवर्स अच्छे से आते हैं। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं और फिर सर्विंग बाउल में निकालेंगे। टेस्ट ज़रूर कर लें इसको बनाने के बाद कि अगर आपको कोई चीज़ इसमें कम ज़्यादा लगती है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट किए बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि कैसा फ्लेवर इसमें आया। तो ये अब मिक्स हो गया, और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। हमारा क्रीमी मैक्रोनी सैलड ठंडा हो गया था, और मैंने इसको अब सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। सो हमारा मज़ेदार सा क्रीमी मैक्रोनी सैलड तैयार है। आप इसको किसी भी बारबेक्यू डिश के साथ सर्व करें, इट्स रियली गुड। सो आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आपने कमेंट ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर आऊँगी। अगर ज़िंदगी रही तो तब तक अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।